हेलो एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी एंड वेलकम टू कक्षा अ क्लासरूम एट होम। आज हम करेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ये आपकी सीधी सीधी एनसीईआरटी बुक को एक बेस बनाते हुए हम इसी से करेंगे, जिससे आपको थोड़े और ढंग से समझ में आए। तो हम स्टार्ट करते हैं। यू हैव लर्न इन चैप्टर 1 दैट प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये हमने अपने ये है आपका चैप्टर नंबर 1 का फोटोसिंथेसिस। हमने इसमें कुछ इक्वेशन देखी थी एक, और उसमें ये बताया था कि जो अपने जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपना फूड खुद प्रोसेस करते हैं, खुद बनाते हैं। कहाँ पे बनाते हैं? फूड फैक्ट्री। हमने किसे बोला था? लीव्स को बोला था। अगर ये आपको और ढंग से समझना है तो आप मेरा वीडियोस जो वीडियो है वो चैप्टर 1 के लिए आप देख सकते थे, उसमें फोटोसिंथेसिस क्लियरली बता रखा है। बट एनिमल्स कैन नॉट, एनिमल्स लेकिन कर ही नहीं सकते क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल होता नहीं है। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स, बिल्कुल सही बात है, आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स। अब वो हमने कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स ये सब के बारे में डिस्कस किया हुआ है। दैट ईट प्लांट्स और सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। हमने सब पढ़ा हुआ है कि हमें फूड किसके लिए चाहिए होता है? अपनी जो बॉडी की है उसकी ग्रोथ के लिए चाहिए, उसकी रिपेयरिंग के लिए चाहिए, उसका फंक्शन अच्छे से प्रॉपर पूरी बॉडी का फंक्शन अच्छे से हो पाए उसके लिए हमें फूड चाहिए। फूड के हमने कंपोनेंट्स भी पढ़े हुए हैं, 6 क्लास में भी पढ़े हुए हैं। उन वो कंपोनेंट्स हमें पता है क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, थोड़ा रिकॉल करो, अभी अभी और आ जाएगा। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड। क्या क्या पढ़ेंगे इसके अंदर हम? एनिमल न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, इंक्लूड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक। इन मोड ऑफ इनटेक मतलब कैसे फूड इनटेक करेगा, कैसे खाएगा कोई भी एनिमल, वो पढ़ेंगे। एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। अब फूड एक बार ये जैसे सपोज करो ये ऑर्गेनिज्म है और ये इसका फूड है, फूड को एक बार इनटेक कर लिया उसके बाद इस बॉडी में किस तरह से यूटिलाइजेशन होगा, कैसे उसका बॉडी के अंदर कैसे प्रोसेस होगा, कैसे डाइजेशन होगा और वो बॉडी में किस तरह से काम करेगा, वो हम इस वाले चैप्टर में स्टडी करेंगे। यू हैव स्टडी इन क्लास 6 दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मैनी कॉम्पोनेंट्स, ट्राई टू रिकॉल एंड लिस्ट दैम बिलो। हमें हमें पता है, फर्स्ट है आपका कार्बोहाइड्रेट, हमें याद है। नेक्स्ट याद करेंगे फैट, प्रोटीन, नेक्स्ट विटामिन्स, मिनरल्स एंड लास्ट 6 डाइट्री फाइबर्स। ये रिकॉल हो गया कंप्लीट। द कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज। अब ये क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स? क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज होते हैं, जिसका एग्जाम्पल क्या था? स्टार्च, जिसका हम याद है हम आयोडीन टेस्ट किया है हमने हमारी एक्टिविटीज में। दिस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कैन नॉट बी यूटिलाइज सच एज। अब हमारी बॉडी में एक बार अगर स्टार्च चला गया लेकिन उसको बॉडी एज अ स्टार्च यूज नहीं कर सकती, है ना। जैसे हम मैं आपसे कहूँ कि आपके घर में जैसे है ना सब्जी आई है, लाइक लौकी आई है, टिंडा आया है, बॉटल गॉर्ड, है ना, उसको मैं कहूँ एज इट इज रॉ खा लीजिए, वो पॉसिबल नहीं है। तो वो आपको कैसे काम में लेना? आप सब्जी कट करेंगे, उसकी सब्जी बनाएंगे, तब जाके सब घर वाले उसे खाएंगे। सेम उसी तरह से बॉडी में कि हम स्टार्च ले तो लेते हैं लेकिन उसको बॉडी उसको क्या करेगी, यूटिलाइज, उसको स्टार्च के फॉर्म में नहीं करेगी, कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में उसको ब्रेक किया जाएगा और फिर बॉडी उसको यूटिलाइज करेगी। सो दे आर ब्रोकन डाउन इंटू सिंपलर सब्सटेंस। यानी स्टार्च से क्या बनाना है? सिंपलर सब्सटेंस बनाना है। द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉम्पोनेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है ये, इससे सिंपलर फॉर्म में। यानी एक चेन थी ये पूरी की पूरी, आप इमेजिन करिए कि ये स्टार्च की एक पूरी चेन है और उसने आपने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में यहां से तोड़ दिया है, ब्रेक डाउन कर दिया है और सिंपल सब्सटेंस में बना दिया है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड इंटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। डाइजेशन की अब जैसे आप लोग पेपर और पेन लेके जैसे हाथ में बैठो, है ना, वैसे तो बुक है ही बट फिर भी देखो, द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड इंटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। तो डाइजेशन का क्या मतलब है कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को आपको सिंपलर में ब्रेक करना है, तो वो क्या है? डाइजेशन हो गया। इसी तरीके से
हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इन टू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अब सब एक जैसे फूड, जैसे अगर आप खाना चबा चबा के खाते हैं, पहले मुंह में जाएगा, फिर स्टमक में जाएगा, फिर इंटेस्टाइन में जाएगा, तो सबके साथ ऐसा नहीं होता है ना। आपने अपना खाना हाथ से लिया फिर खाया, बीज है ये अलग तरह से खाती है, हमिंग बर्ड्स हैं सक करती है नेक्टर को, सक द नेक्टर्स ऑफ प्लांट्स, इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मेनी अदर एनिमल्स फीड द मदर्स मिल्क। अब बच्चे हैं अपनी मम्मा का दूध पीते हैं। स्नेक्स स्नेक लाइक द पाइथन, पाइथन अजगर हो गया आपका, सोलो क्या करता है सीधे सीधे निगलता है, वो ना उसके पास टीथ है ना कुछ है, खाना सीधा लिया जैसे ये पूरा पाइथन है और यहाँ से फूड आया और सीधा गप अंदर। Some aquatic animals filter tiny food particles floating nearby and feed upon them. अब पुश क्या करते हैं, बहुत छोटे छोटे जो aquatic animals होते हैं वो टाइनी फूड पार्टिकल होते हैं, उनको क्या करते हैं फीड कर लेते हैं, फिल्टर कर लेते हैं और जो आता है उसमें उनका काम हो जाता है। अब है एक्टिविटी नंबर 2.1। अब हमें इसमें देखना है What is the type of food and mode of feeding of the following animal? Write down your observations in the given table. You may find the list of modes feeding given below the table helpful. अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एनिमल्स की नेम डाल दिए, इनका फूड बताना है कि ये क्या खाते हैं और मोड ऑफ फीडिंग बतानी है। तो मोड ऑफ फीडिंग बताने के लिए क्या है, ये कुछ है ना टर्म्स दी हुई है वो आपको ध्यान में रखनी है क्या क्या। स्क्रैपिंग क्या होता है, स्क्रैपिंग मतलब खाने को ऐसे जबड़ ऐसे सीधे पकड़ के और खा जाना, च्यूइंग मतलब चबाना। साइफनिंग क्या होता है, इसमें क्या होगा कि आप जैसे है ना ये हाउस फ्लाई करती है, हाउस फ्लाई करती है खाने या किसी चीज पर बैठती है, उसको वहां से है ना अपना एक सलाइवा घोलती है, सॉल्यूशन करती है, इसमें इतना ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है और उसको सक कर लेती है। कैप्चरिंग मतलब पकड़ना एंड सॉलोइंग यानी निगलना। स्पॉन्जिंग, स्पॉन्जिंग में क्या आएगा, उस स्पॉन्जिंग भी सेम वही थिंक है, सकिंग यानी चूसना। यहाँ पे देख लेते हैं स्नेल, स्नेल क्या करता है, काइंड ऑफ फूड ये खाता है, लीव्स है ना छोटे छोटे पत्तियां वगैरह। मोड ऑफ फीडिंग इसकी क्या हुई है, इसकी मोड ऑफ फीडिंग हो जाएगी स्नेल लीव्स, और इसका जो मोड ऑफ फीडिंग होगा वो क्या होगा, स्क्रैपिंग होगा। स्क्रैपिंग मतलब क्या होता है, वही मैंने अभी बताया आपको कि आप फूड को ऐसे मतलब सतह या किसी सरफेस से छुड़ाकर मतलब खा लेना। एंड क्या करेगी, फूड पार्टिकल्स जैसे छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, मीठा हुआ चीनी पे चिपक जाती है या कुछ भी, एक भी कोई है ना छोटा सा कैटरपिलर चल रहा है उसके चारों तरफ, तो फूड पार्टिकल्स लिख सकते हैं यहाँ पर। और ये क्या करती है, च्यूइंग करती है। ईगल क्या करती है, ईगल करती है आपकी कैप्चरिंग करती है, और स्मॉल एनिमल्स जैसे रैट्स और वगैरह वगैरह इनको लेके, और इसका क्या होगा, कैप्चरिंग एंड सोलोइंग। हमिंग बर्ड क्या करती है, नेक्टर ऑफ फ्लावर्स सकिंग करती है, यानी कि ये सक करती है फ्लावर्स को। लीस आपका लाइस क्या होती है, जो सर में होती है वो ब्लड पीती है और सकिंग करती है। मस्कीटो भी सेम ब्लड है और सकिंग। बटरफ्लाई नेक्टर ऑफ फ्लावर्स, बटरफ्लाई आपकी तितलियां जो वो क्या करती है, सक करती है नेक्टर फ्लावर्स का। ये है साइफनिंग। हाउस फ्लाई ऑलमोस्ट एवरीथिंग पर किसी पे भी बैठ जाती है, फ्रूट्स होते हैं, कोई खाना होता है ना, कहीं पे भी गंदी जगह पर बैठ जाती हैं और ये भी साइफनिंग करती है। साइफनिंग का मतलब ये मैंने आपको समझाया कि ये अपनी जो एक इनके पास एक जो पाइप होती है उससे कुछ सॉल्यूशन छोड़ती है और उसको पूरे को डिजोल्व करके वो खाना स्टार्ट कर देती है। तो ये आपका हो गया वेरियस मोड्स ऑफ फीडिंग। फटाफट से नीचे आते हैं पेज नंबर जो है अमेजिंग फैक्ट, इन्हें भी पढ़ना जरूरी है। स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल कवर्ड बाय हार्ड शेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। आफ्टर ओपनिंग द शेल द स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टमक थ्रू आउट इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द शेल। द स्टमक देन गोज बैक इनटू द बॉडी एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड। कितनी अमेजिंग बात है कि क्या होता है कि अब ये क्योंकि कहाँ रहती है, सी में रहेगी स्टारफिश। अब सी में रहेगी तो वहां पे तो नॉर्मली शेल वाले जैसे कि स्नेल हो गया है ना, वहां पे कैल्शियम उनका जो जो स्नेल होता है वो पता है ना एक शंख जैसी चीज में है ना अंदर लिप्ट और इस तरीके से उसकी बॉडी होती है, इस तरीके से धीरे धीरे चलता है, जैसे उसको लगता है कि यहाँ पे कोई उसको खाने तो अंदर घुस जाता है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है कंप्लीट, जिसे हम शंख बोलते हैं। आफ्टर ओपनिंग द शेल तो ये क्या करता है, पहले अपने उसे शेल को खोलता है, अपना जो स्टमक है ना यहाँ से वो ही बाहर निकाल देता है, मीनिंग माउथ छोड़ो पूरा स्टमक बाहर आएगा
वो उसको ईट करेगा और वापस से आपका वो स्टमक गोज बैक इनटू द बॉडी एंड फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड, क्योंकि डाइजेशन तो आपका स्टमक से स्टार्ट हो जाता है। अब है डाइजेशन इन ह्यूमंस, इसको हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए हमेशा के लिए, इस पर हमें बहुत ध्यान लगाना है। इससे पहले वाला भी आप ध्यान से पढ़ेंगे। अब डाइजेशन इन ह्यूमंस ये एक बहुत बड़ी प्रोसेस है, इसको समझने के लिए हमें आप पेपर पेन जो भी लेके बैठना है और ध्यान से देखो। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। हम जो ह्यूमंस यानी कि हमारी बात हो रही है, सीधे सीधे खुद से रिलेट करेंगे, खुद को इमेजिन करेंगे, तो फूड हम कहाँ से खाएंगे? माउथ से खाते हैं, सिंपली मुंह में अपन उसे जो माउथ है अपना वहां से उसको च्यू करते हैं, उसको चबाते हैं एंड फिर उसके बाद वो नीचे चला जाता है। द अनयूज पार्ट्स ऑफ द फूड आर डिफेक्टेटेड। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपेंस टू द फूड इनसाइड द बॉडी? अब हमने खा तो लिया, लेकिन अभी आप सेवेंथ क्लास के स्टूडेंट्स हैं, अब सेवेंथ क्लास के स्टूडेंट्स को पता है कि अब क्या होगा, अंदर फूड गया, हमें तो पता ही नहीं है फूड कहाँ कहाँ से पास हो रहा है, कौन कौन से रास्ते से जा रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है, फिर उसके साथ फूड के साथ क्या क्या हो रहा है, ये सब हमें इसके अंदर कंप्लीट कवर करना है। तो हम ध्यान देंगे अच्छे से। द फूड पासिस थ्रू अ कंटिन्यूअस केनाल। केनाल मतलब एक पूरी की पूरी केनाल है, एक पाइप है, कंटिन्यूअस है, कहीं पे भी ब्रेकेज नहीं है। विच बिगिंस एट द बकल कैविटी। कहां से बिगिन होगी? बकल कैविटी। बकल कैविटी क्या होती है? जो आपका मुंह है ना, जो आपका माउथ है, उसको आप जब खोलेंगे तो एक कैविटी यानी एक होल दिखेगा, बकल कैविटी वो होती है। इस अगर पिक्चर में दिखाऊं मैं आपको, तो ये जो है ना, ये है आपकी बकल कैविटी जहां पे आप अपना खाना रखते हैं। कहां से स्टार्ट होती है? बिगिंस एट द बकल कैविटी एंड द एंड एट द एनस। एनस क्या है? जहां से आप अपना जो वेस्ट है उसको आउट करते हैं, है ना, वॉशरूम में, बाथरूम्स में, है ना, कम, तो वो है आपका, जब आप सुबह फ्रेश होते हैं तो वो जहां से निकल हमारा है ना वेस्ट जो निकलता है जहां से, वो आपका लास्ट पॉइंट कहलाता है, वो होता है एनस। यानी कि द फूड पासेस थ्रू अ कंटिन्यूअस केनाल विच बिगिंस एट द बकल कैविटी एंड एंड एट द एनस। और उससे लेके एनस तक यानी बकल कैविटी से लेके एनस तक ये डाइजेशन कंप्लीट होता है। द केनाल कैन बी डिवाइडेड इंटू वेरियस कंपार्टमेंट्स। अब देखो ये है बकल कैविटी और यहां से ये पाइप पूरी की पूरी केनाल, ये है आपका एनस, ये है एनस, ये है बकल कैविटी। अब ये वाली जो पाइप है ये जितनी इजी मैंने बनाई है उतनी इजी नहीं है, ये आपका क्या करेगी, ये कंपार्टमेंट से बटी हुई है ना, यहां से लेके यहां तक अलग चीज बोलेंगे, यहां से यहां तक अलग चीज बोलेंगे, तो वो कौन कौन से कंपार्टमेंट है? फर्स्ट है बकल कैविटी जो कि स्टार्टिंग पॉइंट है, नेक्स्ट है फूड पाइप और ईसोफेगस, थर्ड है स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। अब देख लो यहां पे, देखो आपको सब क्लियर हो जाएगा। बकल कैविटी ये वाली आपकी ईसोफेगस, इसके बाद देन स्टमक, इसके बाद है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन ये वाली, ठीक है, ये जो कंप्लीट दिख रही है ना ये वाली, यहां से लेके ये वाली यहां तक ये रोल कॉइल्ड हुई पड़ी है, बिल्कुल कॉइल हो रखी है, ये इतनी लंबी होती है, अगर आप एक इसकी इसके साइज बताएंगे तो आप सोचेंगे हमारे स्टमक में, हमारे पेट में, हमारे अंदर ये इतनी बड़ी कैसे हो सकती है ना, पाइप कैसे हो सकती है। उसके बाद ये यहां से जॉइंट टू, ये है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज क्यों है, थोड़ी ये डायमीटर में बड़ी है, और ये आपका हो गया रेक्टम जस्ट इससे पहले वाली स्टेज, और ये लास्ट हो गया एनस जहां से आप अपना वेस्ट बाहर निकालते हैं, ठीक है। और ये हो गई आपकी कंप्लीट, इस पूरी एंडिंग सिक्स हो गया एनएस। इट इज नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ, दिस पार्ट्स टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री केनाल डाइजेस्टिव ट्रैक। ये ध्यान रखने वाले, अब देखो इतना सा पैराग्राफ करवाया, उसमें कितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ गए, एलिमेंट्री केनाल, स्टमक है ना, कंपार्टमेंट्स है, कंटिन्यूअस केनाल है, बकल कैविटी है, इन सबको ध्यान में रखना है। तो क्या है, दीज पार्ट टूगेदर फॉर्म एलिमेंट्री केनाल। अब इसको मैं कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलूंगी, कंप्लीट यहां से लेके यहां तक ये है मेरी एलिमेंट्री कैनाल, इसी बोल देते हैं, ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट। अब उसके बाद अब हम इस बुक में क्या क्या पढ़ेंगे, हम बकल कैविटी से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे सबको स्टडी करेंगे। नेक्स्ट, ऑफ द स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन द वेरियस ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द कैनाल सच एज सलाइवरी ग्लैंड्स।
क्या है कि ये पूरे कंपार्टमेंट के साथ में ये जो साइड साइड में कुछ और भी चीजें नजर आ रही है, ये गॉल ब्लैडर नजर आ रहा है, ये इसके बाद ये वाला जो है इधर वाला पोर्शन, ये लीवर नजर आ रहा है, ये क्या है, ये सलाइवरी ग्लैंड है, यानी कि ये डाइजेशन में अपना क्या छोड़ेंगी, ये अपने कुछ जूसेस छोड़ेंगे, डाइजेस्टिव जूसेस। जूसेस से क्या होगा, आपने जो खाना यहाँ से जो आया है वो उस पर डलेगा, जूस डलेगा डाइजेस्ट करने के लिए, जब डल जाएगा तो डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। द लीवर एंड द पेनक्रिया सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस, द डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, जो कि हमने अभी पढ़ा था कि डाइजेशन किसे कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वंस। द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। नाउ लेट्स नो व्हाट हैपेंस टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक। अब क्या हो रहा है कि हमें, अब हम मैंने कहा आपको एक एक को स्टडी करेंगे, पूरी किसको, एलिमेंट्री कैनाल को। ये डायग्राम है, इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ड्रॉ करके ध्यान रखना है। फिर से समझा देती हूँ, बकल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, खत्म, सिंपल। और जो इसके साथ साइड साइड में है वो बकल कैविटी के साथ सलाइवरी ग्लैंड जुड़ी हुई है, लीवर है ना, गॉल ब्लैडर है, पेनक्रियाज है, तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इजी लगेगा। अब देखो फर्स्ट इसने ले लिया है द माउथ एंड बकल कैविटी। अब हम सिर्फ माउथ माउथ की बात करेंगे, माउथ के दिमाग में हमें माउथ के बारे में सोचना है कि माउथ क्या है। अब माउथ अपने आप का इमेजिन करो, अपने आप जो आपका खुद का माउथ है उसको इमेजिन करो, आपको क्या समझ में आ रहा है, उसमें 30 टीथ है ना, टीथ के बाद एक टंग है, ओके और टंग के अलावा क्या है, एक आपको अपने मुंह के अंदर हमेशा माउथ के अंदर एक है ना, एक वेटनेस, एक गीलापन, एक लार्स, एक हमेशा ना ऐसे सूखा थोड़ी रहता है, गीला रहता है ना, वो चीज है, वो क्या है, तो हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ, बिल्कुल सही बात है, ह्यूमन वाले में तो यही है कि हम तो आराम से माउथ से खाते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन, यानी कि ये आदमी का फूड है, इसने ये माउथ है इसका, ये अपना बूझो है जो कि बीच बीच में, अभी इसको भी पढ़ा देते हैं। तो ये हो गया फूड, फूड यहाँ से इसने माउथ से खाया, तो ये क्या हो गई प्रोसेस, इंजेशन। ये छोटे छोटे टर्म्स हैं, आप सेवन क्लास के स्टूडेंट्स हैं, आप अपने नोट्स बनाने की आदत अभी से डाल लो तो आपको बहुत आसानी होगी। इंजेशन क्या हो गया, यानी कि फूड इनटेक करना, वो हो गया आपका इंजेशन। वी च्यू द फूड, फूड को हम चबाते हैं, ऐसे थोड़ी निंगल जाते हैं अजगर की तरह, अजगर की तरह तो बिल्कुल नहीं निंगलते हैं, तो हम पहले उसको टीथ से च्यू करते हैं, ब्रेक करते हैं विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली, मैकेनिकली मतलब दांतों से चबा चबा के, जैसे एक चक्की पीसती है ना आटे को, उस तरह से हम स्मॉल पीसेस में तोड़ते हैं। ईच टूथ इज रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम्स, हर जो टूथ होता है ना उसका एक सेपरेट बॉक्स होता है, सॉकेट होता है मसूड़ों के अंदर, गम्स मतलब। Our teeth vary in appearance and perform different function. अब हमारे जो ये सारे एक पूरे टीथ का ही है ना लोअर जॉ, आप समझ लीजिए इसको कि आपका लोअर जॉ है, उसमें ये 16 टीथ है, तो ये जो एवरी टूथ है ना इसका फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट होगा, है ना। तो हम उसके बारे में बैठते हैं, पहले हम देख लेते हैं मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ के बारे में। मिल्क टीथ क्या होते हैं, परमानेंट, आप सेवेंथ क्लास में हो गए तो आपके टीथ क्या है, सारे टूट चुके हैं और उसकी जगह परमानेंट टीथ आ चुके हैं। डू यू रिमेम्बर अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टीथ सम इयर्स अगो, है ना। द फर्स्ट सेट टीथ ग्रोज ड्यूरिंग इन्फेंसी, इन्फेंसी में हमारे जो बचपन में जो 8-10 महीने का बच्चा होता है उसको टीथ आना शुरू होते हैं, एंड दे फॉल ऑफ एट द एज ऑफ बिटवीन, आपके छोटे भाई बहन हो ना 6-8 ईयर्स के, उनके आपने टीथ गिरते तो वो हम क्या बोलते हैं, अरे ये तो मिल्क टीथ या फिर दूध के दांत है, दीज आर टर्म्ड मिल्क टीथ। द सेकेंड सेट दैट रिप्लेसेस देम आर द परमानेंट टीथ, और जो दूसरे वाले सेट है वो परमानेंट आएंगे, जब आप ओल्ड हो जाएंगे या बूढ़े हो जाएंगे तब तक वो रहेंगे। द परमानेंट टीथ मे लास्ट थ्रू आउट लाइफ ऑफ फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज और ड्यू टू सम डेंटल डिजीज, जो हम अब ये वाला सेट देख रहे हैं ना ये परमानेंट का है। इसको ध्यान से देखो, इसमें ना 4 टाइप्स ऑफ टीथ है, ये मेन 4 है, ठीक है। मोल देखो यहां से स्टार्ट करते हैं, अपने आप को इमेजिन करो, अपना माउथ इमेजिन करो, जो स्टार्टिंग है जो फ्रंट में आपको 4 दिखेंगे वो है इंसाइजर्स, नेक्स्ट है आपके जो यहाँ पे थोड़े नुकीले होते हैं वो है आपके कैनाइन, नेक्स्ट है आपके उसके बाद जस्ट बाद प्री मोलर्स। प्री क्यों लगाया, क्योंकि अच्छे वाले मोलर्स आप ऐसे ध्यान रख लो, जो मोलर्स हैं
मेन, उनसे जस्ट जो पहले वाले हैं वो हैं प्रीमोलर्स। तो ऐसे ध्यान देगा, तो दो प्रीमोलर इधर, दो प्रीमोलर इधर, और इधर है तीन तीन मोलर, इधर तीन। तो ये देखो यहाँ पे जो मोलर हो गए वो टोटल कितने हो गए, सिक्स। प्रीमोलर कितने हो गए यहाँ पर, दो इधर फोर। केनाइंस कितने हो गए, टू। इंसाइजर्स कितने हो गए हैं आपके, फोर। तो कितने हो गए, सिक्स प्लस फोर 10, प्लस टू 12, प्लस फोर 16, ठीक है। और ये एक लोअर जॉ है आपका, तो अपर जॉ में भी कितने होंगे, 16। टोटल हो गए 32। ओके, अब हम देखो फटाफट रीड आउट कर लेते हैं। ये बूजो क्या कह रहा है पहले इसकी सुन लेते हैं। बूजो इज फैसिनेटेड बाय द हाईली कॉइल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन सीन इन फिगर 2.2। ही वॉन्ट्स टू नो इट्स लेंथ। वुड यू लाइक टू मेक अ वाइल्ड गैसेस, वी हैव गिवन इट्स अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑन पेज 16। ये जस्ट इमेजिन कर रहा है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन विद द कॉइल्ड थी ना, वो कितनी लेंथ की होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो आपके दिमाग में भी आ रहा होगा। अब देख लेते हैं। आर टीथ वेरी इन अपियरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। सारे अलग अलग फंक्शन करते हैं, अकॉर्डिंग दे आर गिवेन डिफरेंट नेम्स। एक्टिविटी नंबर 2.2, वॉश योर हैंड्स, लुक इन टू मिरर एंड काउंट योर टीथ। अब मैंने कहा आपको अपने आप को ही इमेजिन करना है। यूज योर इंडेक्स फिंगर टू फील द टीथ। हाउ मेनी काइंड ऑफ टीथ कुड यू फाइंड। टेक अ पीस ऑफ एन एप्पल ब्रेड एंड ईट इट। विच टीथ टू टीथ डू यू यूज फॉर बाइटिंग, कटिंग एंड, नीचे कर लेते हैं, विच वंस फॉर पियर्सिंग, यानी कि मतलब फाड़ने के लिए, टियरिंग के लिए। ऑल्सो फाइंड द वंस दैट आर यूज फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग, पीसने के लिए और काटने के लिए। देखो कटिंग एंड बाइटिंग ये कहां से होगा, ये होगा आपका इंसाइजर से। पियर्सिंग एंड टियरिंग, चीरना फाड़ना, जो कि शेर वगैरह में और उनमें तो बहुत ही ज्यादा होते हैं, तो वो यहाँ पे कौन से आएंगे, कैनाइन। च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग के लिए आपके मोलर्स एंड प्रीमोलर, सिंपल है। लोअर जॉ में कितने होंगे ये वाले इंसाइजर्स, फोर। पियर्सिंग के लिए टू, केनाइंस और चिंग के लिए हो गए सिक्स, ठीक है। सिंपल, मैंने आपको काउंटिंग ऊपर ही करवा दी थी। अपर जॉ में भी इतने ही होंगे, ये हो गया एट, फोर, सिक्स। टोटल कितना हो गया, ये सिक्स और सिक्स के, ये सिक्स और सिक्स हो गया 12, ये थोड़ा गलत लिख दिया था। तो ये क्या हो गया, एट एंड फोर कितना हुआ, 12। च्विंग एंड ग्राइंड टीथ, ये एक साथ ही प्रीमोलर और मोलर की ना जो नंबर्स हैं वो एक साथ ही दे दिए। देखो यहाँ काउंट करो, प्रीमोलर 3 प्लस 2 5 और 5 इधर, तो कितने हो गए, 10 10 हो गए ना, एक साथ ही दे दिया प्रीमोलर और मोलर्स को, तो 10 10 ये हो गया आपका 20। 20 प्लस 12 इक्वल टू 32, ये टोटल नंबर हो गया है। इसके बाद आते हैं हम, इसके बाद हमें ऐसा लग रहा है ना, आज अपन यहीं तक करेंगे, ठीक है, यहीं तक। ये वाला हमें कंप्लीट एक बार देखो, रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि जो एनिमल्स होते हैं वो अपना जो फूड है वो खुद तो बनाते नहीं है, तो कौन बनाता है, प्लांट्स बनाते हैं। प्लांट्स का जो वो हो, मतलब उनके थ्रू जो बनाया हुआ फूड होता है वही हम खाते हैं, या तो इनडायरेक्टली खाते हैं या फिर क्या करते हैं, डायरेक्टली खाते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि हमारी जो बॉडी होती है उसको ग्रोथ के लिए फूड तो चाहिए ही होता है, तो फूड्स के हमने ये मेन कंटेंट, मेन न्यूट्रिएंट्स पढ़ लिए, कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। उसके बाद क्या हुआ, हमने ह्यूमंस के डाइजेस्टिव सिस्टम पर आए और हमने उसके डाइजेस्टिव एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ा। एलिमेंट्री कैनाल बहुत सारे कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड होती है, लाइक बकल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। आज हमने थोड़ा माउथ के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लासेस में हम ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसको कंप्लीट कर लेंगे और इसको समझ लेंगे। तो आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगा, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, और मेरा नेक्स्ट अगला वीडियो देखना ना भूलें, क्योंकि ये चैप्टर बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।